जय हिंद। नमस्कार मेरे शेर सैनियों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का वीडियो सबसे ज्यादा डिमांड वाला ये वीडियो है कि सर SSC GD की कट ऑफ का वीडियो आपने अभी तक नहीं बनाया, क्योंकि इससे पहले जितने भी मैंने वीडियो बनाए वो और सारे चैप्टर को लेकर बना दिया, लेकिन कट ऑफ स्पेशली कि इस बार फिजिकल की कट ऑफ क्या रह सकती है इसको लेकर ये मेरा पहला वीडियो और पहला वीडियो ही आखिरी वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में सारी कैटेगरी सभी स्टेट मेल फीमेल सबको कवर कर रहा हूं, और आपको एक चीज देने वाला हूं वो है शेप स्कोर, कि किससे नीचे वाले शेप नहीं है। ध्यान रखना शेप कौन कौन है ये आप उससे डिसाइड कर लोगे जब मैं ये बता दूंगा आपको कि अगर इससे नीचे आपके अंक है तो आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई नहीं होंगे। ध्यान रखना हर एक स्टेट का जितने भी बच्चे जो SSC GD की इस बार पेपर दिए हैं आंसर की आप सबने देख लिए, आपको आंसर किसे संबंधित कुछ डाउट अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये कंप्लीट कर दूंगा कि जितना स्कोर मैं बता रहा हूं अगर उससे नीचे अगर आपके स्कोर है या उसके आसपास में आपका स्कोर है तो आप कभी ये ना सोचे कि आप सेफ है, ठीक है। जो स्कोर मैं बता रहा हूं अनसेफ वालों का मैं स्कोर बताऊंगा तो बाकी जो बच्चे हो गए सेफ। फिजिकल की कट ऑफ को लेकर इस बार अनुमान यह भी है कि सर पिछली बार की कट ऑफ को इस बार की कट ऑफ बीट कर देगी, उसके पीछे कई रीजन है। कई बच्चे बोलो सर इतनी जाएगी क्या? अरे क्यों नहीं जाएगी, कोई हलवा है क्या? SSC GD को हलवा समझ रखा है क्या? जीभ निकालोगे चाट लोगे। SSC GD में वो बच्चा नौकरी लगता है जिसने कम से कम एक साल डेढ़ साल रात दिन मेहनत की है। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जो बोल रहा है 140 नंबर है, 150 नंबर है, 130 नंबर है, उसका अटेम्प्ट पूछना उसका दूसरा या तीसरा अटेम्प्ट है ये, समझ गए? तो हलवा थोड़ा ना चाट लिया। SSC GD की नौकरी मैंने पहले बताया था कि आर्मी अग्निवीर के लागू होने के बाद में देश की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध अगर कोई वैकेंसी होगी तो वो SSC GD की होगी, और इसकी कट ऑफ आसमान छुएगी और उसका प्रूफ इस बार हो जाएगा। इस बार की कट ऑफ अब तक की सारी कट ऑफ को पीछे छोड़ देगी, ये पक्का है 100%। इस बार जो फिजिकली कट ऑफ आएगी, फाइनल मेरिट की कट ऑफ आएगी, वो अब तक की SSC GD की सबसे टॉपेस्ट कट ऑफ होगी। नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी आपके बहुत डाउट होगा, अगले वीडियो में क्लियर करूंगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं SSC GD फीमेल के लिए कट ऑफ स्टेट वाइज। आप किसी भी राज्य से ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर भी करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइबर भी कर लीजिए भाई। तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले देखते हैं आंध्र प्रदेश फीमेल की कट ऑफ। ये सारी पहले फीमेल की बता रहा हूं। अगर आप आंध्र प्रदेश के जनरल डिस्ट्रिक्ट से हैं, अगर आप आंध्र प्रदेश के जनरल डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आपकी 60 नंबर, ये जो आपकी कट ऑफ है फिजिकल की, 60 नंबर से नीचे नहीं रहेगी। ध्यान रखना 60 नंबर से नीचे नहीं रहेगी। जो मैं आंकड़े बता रहा हूं मैं वो बता रहा हूं कि इससे नीचे तो नहीं रहेगी। इससे नीचे अगर आपके नंबर है तो आप बिल्कुल भी सेफ नहीं है, समझ गए बात को। अगर आंध्र प्रदेश के नक्सल एरिया से आते हैं तो 40 नंबर से नीचे नहीं रहेगी। अगर आप आंध्र प्रदेश के SC कैटेगरी से हैं या जनरल डिस्ट्रिक्ट से हैं तो 64। अगर आप आंध्र प्रदेश नक्सल एरिया से आते हैं SC कैटेगरी से तो 40 नंबर आपके होनी चाहिए, तभी आप फिजिकल के लिए सेफ होंगे। इससे नीचे हैं तो आप सेफ नहीं, इसके आसपास भी सेफ नहीं है। ध्यान रखना जो मैं आंकड़े बता रहा हूं इसके आसपास में सेफ नहीं है। अगर आप आंध्र प्रदेश से फीमेल के बता रहा हूं, ध्यान रखना, अगर आप जनरल डिस्ट्रिक्ट से ST कैटेगरी से अगर आप 61 नंबर आपके हैं तो भी आप सेफ नहीं है। आंध्र प्रदेश से नक्सल से ST कैटेगरी 37 नंबर पर आप सेफ नहीं है, इससे ऊपर सेफ है, इसके आसपास और इसके नीचे सेफ नहीं है, ध्यान रखना। अगर आप आंध्र प्रदेश के जनरल डिस्ट्रिक्ट से हैं और ओबीसी कैटेगरी से हैं, अगर आप 70 नंबर लेके आए इस बार तो भी आपका कोई चांस नहीं है, 70 से ऊपर होना चाहिए। आंध्र प्रदेश नक्सल एरिया ओबीसी से आपके 60 नंबर से ऊपर होने चाहिए, ध्यान कर लेना। आंध्र प्रदेश नक्सल एरिया जनरल कैटेगरी से कम आपके 64 नंबर होना चाहिए। और आंध्र प्रदेश अगर आप बॉर्डर एरिया से हैं, ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश अगर आप बॉर्डर एरिया से हैं, अगर आप ST कैटेगरी से है तो कम से कम आपके 35 से ऊपर नंबर होने चाहिए। आंध्र प्रदेश अगर आप जनरल एरिया से हैं, यानी जनरल डिस्ट्रिक्ट में आपका आता है, अगर आप ST कैटेगरी से हैं तो आपके कम से कम 40 से ऊपर नंबर होने चाहिए। अगर आपके 45 या 40 के आसपास है तो आप सेफ नहीं हो, उससे ऊपर सेफ हो सकते हो। अगला जो आ जाता है वो है असम। असम से ध्यान रखना, असम से जितनी कैटेगरी आती है कैटेगरी वाइज मैं आपको सारी मेरिट बता रहा हूं, ये फीमेल की बता रहा हूं, मेल की नहीं है, फीमेल की है, ध्यान रखना। असम राज्य से अगर आप EWS से और जनरल डिस्ट्रिक्ट से तो आपके कम से कम 45 नंबर होने चाहिए तब आप सेफ हो, उससे नीचे सेफ नहीं हो। अगर असम से बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से हो, ऐसी कैटेगरी है तो कम से कम आपके 41 होने चाहिए नंबर, ध्यान रखना।
इससे ऊपर शेप है, इससे नीचे शेप नहीं, ये लोवेस्ट आंकड़े बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान रखना जो मैं आंकड़े बता रहा हूं वो क्या है, ये लोवेस्ट आंकड़े हैं, यानी इससे नीचे कटो कतई नहीं जाएगी, ये लोवेस्ट आंकड़े हैं, इससे ऊपर ही रहेगी, अगर इसके आसपास है तो आप इस बात को समझ जाना। अगर आप असम से जनरल डिस्ट्रिक्ट से हैं और एसटी कैटेगरी से, तो कम से कम आपके 45 से ऊपर नंबर होने चाहिए। असम से हैं बॉर्डर एरिया से हैं एसटी कैटेगरी से, तो 44 से ऊपर नंबर होने चाहिए। असम से हैं जनरल डिस्ट्रिक्ट से हैं एसटी कैटेगरी से, 46 से ऊपर नंबर होने चाहिए। असम से हैं बॉर्डर एरिया ओबीसी कैटेगरी, कम से कम 45 से ऊपर नंबर होने चाहिए। असम से हैं जनरल डिस्ट्रिक्ट ओबीसी कैटेगरी, कम से कम 50 नंबर से ऊपर होने चाहिए। अगर आप असम से हैं बॉर्डर एरिया जनरल कैटेगरी, 50 से ऊपर नंबर होने चाहिए। असम से हैं जनरल एरिया और जनरल कैटेगरी, कम से कम 55 से ऊपर नंबर आपके होने चाहिए। समझ गए बात को, यानी जो मैं चीज बता रहा हूं इससे ऊपर आपके नंबर होने चाहिए, इससे नीचे है तो फिजिकल के लिए कतई चांस नहीं है, 0% चांस है, समझ लेना, जीरो, बिल्कुल सप्पा जीरो, कोई चांस नहीं है। अगर इससे नीचे है तो अगली तैयारी में लग जाओ एसएससीजीडी की, हलवा नहीं है एसएससीजीडी। अब चलते हैं बिहार, सबसे प्रसिद्ध राज्यों में से एक है बिहार की कटौत, समझ लेना भाई, एक बार में बहुत अच्छे से बताने की कोशिश कर रहा हूं, अपनी कैटेगरी सुनते जाना और समझते जाना, ठीक है, अपनी कैटेगरी सुन लेना। बिहार बॉर्डर एरिया ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, कम से कम 85 से ऊपर नंबर होने चाहिए। बिहार जनरल एरिया ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, लड़कियों के लिए 102 से ऊपर नंबर होने चाहिए। बिहार नक्सल एरिया, कम से कम 90 नंबर से ऊपर होना चाहिए, लड़कियों के ध्यान रखना सारी सारी मेरिट। बिहार बॉर्डर एरिया एससी कैटेगरी, कम से कम 50 से ऊपर नंबर होने चाहिए। बिहार जनरल एरिया एससी कैटेगरी, 80 से ऊपर नंबर होने चाहिए। बिहार नक्सल एरिया एससी कैटेगरी, 65 से ऊपर नंबर होने चाहिए। बिहार जनरल एरिया एसटी कैटेगरी, 100 से ऊपर नंबर होना चाहिए। बिहार नक्सल एरिया एसटी कैटेगरी, 95 से ऊपर स्कोर होना चाहिए। बिहार बॉर्डर एरिया ओबीसी कैटेगरी, 86 से ऊपर स्कोर होना चाहिए, ध्यान रखना इस बात को। बिहार जनरल के एरिया ओबीसी कैटेगरी, 102 से प्लस स्कोर होना चाहिए। बिहार नक्सल एरिया ओबीसी कैटेगरी, 90 से ऊपर स्कोर होना चाहिए। बिहार बॉर्डर एरिया जनरल कैटेगरी, 92 से ऊपर। बिहार जनरल एरिया जनरल कैटेगरी, 110 से ऊपर नंबर होने चाहिए। बिहार नक्सल एरिया और जनरल कैटेगरी, 95 से ऊपर स्कोर होना चाहिए। ये समझ गए बिहार वाले, जो मैं स्कोर बता रहा हूं सुन लेना अपनी कैटेगरी वाइज, इससे ऊपर होना चाहिए आपका स्कोर, ध्यान रखना, इससे नीचे है तो अगले एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। आरपीएफ कांस्टेबल का भी शुरू हो रहा है अकेडमी में 15 तारीख से ऑफलाइन, और एसएससी जीडी का भी अगस्त वाली का, तो उसमें जुट जाइए अगर इससे नीचे कम नंबर है तो। चले आगे, चलो भाई आगे हैं चंडीगढ़, चंडीगढ़ से हैं तो जनरल एरिया वहां पर पूरा का पूरा जनरल कैटेगरी से कम आपके 90 प्लस स्कोर होना चाहिए। उससे अगला है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से अगर आप जनरल एरिया से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से तो आपके 40 से ऊपर नंबर होना चाहिए। छत्तीसगढ़ से अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से तो आपके 45 से ऊपर स्कोर होना चाहिए। छत्तीसगढ़ से ध्यान रखना आगे, अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं जनरल कैटेगरी से हैं, जनरल एरिया से एससी कैटेगरी से, जिस हिसाब से एसएससीजीडी की मेरिट आ रही है उसी हिसाब से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, समझिए बात को, जिस हिसाब से इसी हिसाब से आपकी कट ऑफ आएगी फिजिकल की, और उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कैटेगरी वाइज, ताकि आपका कोई डाउट ही ना बचे, हर एक कैटेगरी क्लियर कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना। छत्तीसगढ़ जनरल एरिया एससी कैटेगरी, कम से कम 81 प्लस नंबर होने चाहिए। छत्तीसगढ़ नक्सल एरिया एससी कैटेगरी, कम से कम 60 प्लस स्कोर होना चाहिए। छत्तीसगढ़ जनरल एरिया एसटी कैटेगरी, 73 प्लस स्कोर होना चाहिए। छत्तीसगढ़ नक्सल एरिया, कम से कम 62 प्लस स्कोर होना चाहिए। छत्तीसगढ़ जनरल एरिया ओबीसी कैटेगरी, 95 प्लस स्कोर होना चाहिए। छत्तीसगढ़ नक्सल एरिया ओबीसी कैटेगरी, 72 प्लस स्कोर होना चाहिए। छत्तीसगढ़ जनरल एरिया 92 प्लस स्कोर होना चाहिए। छत्तीसगढ़ नक्सल एरिया जनरल कैटेगरी, 72 प्लस स्कोर होना चाहिए, ध्यान रखना, क्लियर है। इसकी दादर और नागर हवेली की बताने की जरूरत नहीं है, 50 प्लस स्कोर आपका होना चाहिए। अगला जो राज्य है वो है अपना दिल्ली, सबसे इंपॉर्टेंट राज्यों में से एक। दिल्ली वाले ध्यान से थे भाई, दिल्ली सारे के सारे जनरल एरिया है, कोई भी नक्सल या बॉर्डर एरिया दिल्ली में है नहीं, तो जनरल एरिया से ईडब्ल्यूएस वाले 115 नंबर से ऊपर सेफ है। दिल्ली में एससी कैटेगरी लड़कियां 109 नंबर से ऊपर, एसटी कैटेगरी 78 से ऊपर, दिल्ली
ओबीसी कैटेगरी 115 के आसपास, दिल्ली जनरल कैटेगरी 120 प्लस, समझ गए दिल्ली वालों, दिल्ली ईडब्ल्यूएस 111 प्लस यानी 115 आसपास, दिल्ली जनरल कैटेगरी जनरल एरिया सारा, एससी कैटेगरी 109, एसटी कैटेगरी 78, ओबीसी 115, जनरल 120। ये जो आंकड़े उतारे इससे दो तीन नंबर ऊपर उतार रहा हूं, उससे ऊपर वाले सेफ है, उसके नीचे अगर आपके नंबर है तो अगले एग्जाम की तैयारी कर लेना, समझ गए बात को। अगला जो राज्य है वो है गुजरात। गोवा की अगर हम बात करें 50 प्लस अगर आपके स्कोर है तो काम हो जाएगा। गुजरात राज्य, गुजरात राज्य में बॉर्डर एरिया से अगर कोई AWS का है तो उसके 40 से ज्यादा नंबर होने चाहिए। अगर गुजरात में जनरल एरिया AWS कम से कम 55 नंबर होने चाहिए। गुजरात बॉर्डर एरिया एससी कैटेगरी 47, जनरल एरिया एससी कैटेगरी कम से कम 70 नंबर। गुजरात बॉर्डर एरिया एसटी कैटेगरी 35 प्लस स्कोर होना चाहिए। गुजरात जनरल एरिया एसटी कैटेगरी 62 प्लस स्कोर होना चाहिए। गुजरात बॉर्डर एरिया ओबीसी कैटेगरी 45 प्लस स्कोर होना चाहिए। गुजरात जनरल एरिया ओबीसी कैटेगरी 70 प्लस स्कोर होना चाहिए। 65 से नीचे तो अगर है तो आपका बंटा धार हो जाएगा, इससे ऊपर होना चाहिए। अब आज गुजरात की जनरल कैटेगरी, गुजरात बॉर्डर एरिया से अगर जनरल कैटेगरी से है तो कम से कम 60 प्लस अंक होने चाहिए। गुजरात अगर जनरल कैटेगरी जनरल डिस्ट्रिक्ट से कम 75 प्लस अंक होने चाहिए फिजिकल के लिए, लड़कियों के, ध्यान रखना। अब इसके बाद में आ जाते हैं हम हरियाणा। हरियाणा में सारे के सारे क्या है, जनरल डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। अब जनरल डिस्ट्रिक्ट से देखो, हरियाणा यहां से है भाई, हरियाणा में अगर कोई ईडब्ल्यूएस से है 120 प्लस स्कोर होना चाहिए फिजिकल के लिए। अगर एससी से है 105 प्लस स्कोर होना चाहिए। ओबीसी से 120 प्लस स्कोर होना चाहिए। अगर जनरल कैटेगरी से 124 प्लस स्कोर होना चाहिए हरियाणा से, समझ गए। हरियाणा वालों लड़कियों का है, लड़कों का नहीं है, ध्यान रखना। हरियाणा में लड़कियों की मेरिट पिछली बार लड़कों से भी अव्वल थी, तो इस बात का पूरा ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। चले भाई हिमाचल प्रदेश की ओर, ये अपना अगला राज्य आ जाता है हिमाचल प्रदेश, और उसके बाद में चलेंगे हम जम्मू कश्मीर घूमने। तो पहले चलते हैं हम हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश में अगर आप जनरल डिस्ट्रिक्ट से एससी कैटेगरी से 83 प्लस स्कोर होना चाहिए। जनरल डिस्ट्रिक्ट ओबीसी कैटेगरी 91 प्लस होना चाहिए। बॉर्डर एरिया से जनरल कैटेगरी 48 प्लस स्कोर होना चाहिए। जनरल एरिया जनरल कैटेगरी 101 प्लस स्कोर होना ही चाहिए। और चलते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में नक्सल एरिया तो है नहीं, बॉर्डर एरिया है, तो बॉर्डर एरिया से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 40 प्लस स्कोर होना चाहिए। जम्मू कश्मीर जनरल एरिया AWS कैटेगरी 42 प्लस स्कोर होना चाहिए। जम्मू कश्मीर बॉर्डर एरिया एसटी कैटेगरी, एससी कैटेगरी लड़कियां ध्यान रखना 53 प्लस नंबर होने चाहिए। जम्मू कश्मीर जनरल कैटेगरी, सॉरी जनरल डिस्ट्रिक्ट एसटी कैटेगरी 54 प्लस स्कोर होना चाहिए। जम्मू कश्मीर बॉर्डर एरिया एसटी कैटेगरी 32 प्लस स्कोर होना चाहिए। जम्मू कश्मीर एसटी कैटेगरी 32 प्लस स्कोर। जनरल डिस्ट्रिक्ट ओबीसी कैटेगरी 40 प्लस स्कोर। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट जनरल कैटेगरी 56 प्लस स्कोर। और जनरल जम्मू कश्मीर जनरल एरिया 56 प्लस स्कोर होना चाहिए। अगला राज्य आता है झारखंड, ठीक है। इससे अगला झारखंड का, ये सिर्फ लड़कियों के, इसी प्रकार से आपकी एसएससी जीडी की कट ऑफ आने वाली है, ध्यान रखना। झारखंड से अगर हम देखें तो झारखंड में नक्सल एरिया भी है, बॉर्डर एरिया भी है और जनरल एरिया भी है, तो ध्यान रखना। झारखंड से अगर जनरल डिस्ट्रिक्ट से AWS कैटेगरी है तो कम से कम 80 प्लस अंक आपके होने चाहिए फिजिकल क्वालिफाई होने के लिए। झारखंड से है और नक्सल एरिया से है और AWS कैटेगरी है तो आपके 61 से ज्यादा नंबर होने चाहिए। किससे ज्यादा नंबर होने चाहिए, 61 से ज्यादा। अगर हम आगे चले झारखंड में, झारखंड है जनरल डिस्ट्रिक्ट है एससी कैटेगरी है 76 प्लस अंक होने चाहिए। झारखंड है नक्सल डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा नक्सल डिस्ट्रिक्ट है, एससी कैटेगरी है लड़कियों की 62 प्लस अंक होने चाहिए। झारखंड है जनरल डिस्ट्रिक्ट है एसटी कैटेगरी है 90 प्लस अंक होने चाहिए। झारखंड है नक्सल डिस्ट्रिक्ट एसटी कैटेगरी 80 प्लस अंक होने चाहिए। झारखंड जनरल डिस्ट्रिक्ट ओबीसी कैटेगरी 100 के आसपास अंक होने चाहिए। झारखंड नक्सल एरिया 87, झारखंड जनरल डिस्ट्रिक्ट जनरल कैटेगरी 104, झारखंड नक्सल एरिया और जनरल कैटेगरी 90 प्लस स्कोर होना चाहिए। समझ में आ रही है बात, मैं क्या क्या बता रहा हूं। एक तो आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, कौन सी कैटेगरी है, उसके हिसाब से कट ऑफ बता रहा हूं,
ठीक है, वो जो कट ऑफ बता रहा हूं उसके आंकड़े कैसे हैं, यानी इससे ऊपर आपके अंक होने चाहिए तभी आप फिजिकल क्वालिफाई होंगे। अगर ये अंक या इससे नीचे आपके अंक है तो आपको अगले एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। इसके बाद में कर्नाटक आ जाता है तो उसकी बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि कर्नाटक के है नहीं ज्यादा आपने हिंदी भाषी। इसके बाद में लेते हैं मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश में भी एक दो नक्सल डिस्ट्रिक्ट है तो चलिए भाई मध्य प्रदेश में ले लेते हैं। यहां तक मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश अगर आप जनरल कैटेगरी जनरल डिस्ट्रिक्ट से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से तो 115 के आसपास आपका स्कोर होना चाहिए तभी आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई होने के चांसेस बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं। मध्य प्रदेश अगर आप नक्सल एरिया से है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 42 नंबर पर आपका काम बन जाएगा। मध्य प्रदेश जनरल डिस्ट्रिक्ट एससी कैटेगरी 104 से ऊपर नंबर होने चाहिए। मध्य प्रदेश नक्सल एरिया एससी कैटेगरी 85 प्लस स्कोर होना चाहिए। मध्य प्रदेश जनरल डिस्ट्रिक्ट एसटी कैटेगरी 87 प्लस स्कोर होना चाहिए। मध्य प्रदेश नक्सल एरिया एसटी कैटेगरी 71 प्लस होना चाहिए। मध्य प्रदेश जनरल एरिया ओबीसी कैटेगरी 117 से ऊपर अंक होने चाहिए। मध्य प्रदेश नक्सल एरिया ओबीसी कैटेगरी 97 से ज्यादा स्कोर होना चाहिए, ध्यान रखना आपका। मध्य प्रदेश जनरल डिस्ट्रिक्ट जनरल कैटेगरी 120 प्लस स्कोर होना चाहिए तभी क्वालिफाई होंगे मध्य प्रदेश वाले, ध्यान रखना। जितने भी जनरल कैटेगरी से जनरल डिस्ट्रिक्ट से 120 प्लस अगर आपका स्कोर है तब आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो सकते हो, चांसेस है। इससे ऊपर या इससे नीचे तो कोई चांस है ही नहीं दूर दूर तक, समझ गए बात को। इसके बाद में मध्य प्रदेश नक्सल एरिया जनरल कैटेगरी 100, ठीक है भाई मध्य प्रदेश वालों समझ गए, ये मध्य प्रदेश का आंकड़ा है। इसके बाद में आ जाता है भाई महाराष्ट्र, चलिए भाई ये ले लेते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जनरल एरिया ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 72 प्लस स्कोर आपका होना चाहिए। महाराष्ट्र जनरल एरिया एसी कैटेगरी 77 प्लस स्कोर होना चाहिए। महाराष्ट्र नक्सल एरिया एसी कैटेगरी 66 प्लस स्कोर होना चाहिए। महाराष्ट्र जनरल एरिया एसटी कैटेगरी 68 प्लस स्कोर होना चाहिए। महाराष्ट्र जनरल एरिया ओबीसी कैटेगरी 74 प्लस स्कोर होना चाहिए। महाराष्ट्र नक्सल एरिया ओबीसी कैटेगरी 68 प्लस स्कोर होना चाहिए। महाराष्ट्र जनरल एरिया 82 प्लस स्कोर होना चाहिए जनरल कैटेगरी का। महाराष्ट्र नक्सल एरिया जनरल कैटेगरी 71 प्लस स्कोर होना चाहिए, समझ गए भाई महाराष्ट्र वाले। कैटेगरी वाइज जिले वाइज सब कुछ बता दिया है, अब भी आपके मन में कोई डाउट है तो उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। अब इसके बाद में अपन आ जाते हैं पंजाब में, पंजाब में आ जाते हैं भाई, तो पंजाब वाले उसके बाद में राजस्थान आ जाएंगे। पंजाब बॉर्डर एरिया ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कम से कम 40 से प्लस अंक होने चाहिए। पंजाब जनरल डिस्ट्रिक्ट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कम से कम 65 प्लस अंक होने चाहिए। पंजाब बॉर्डर एरिया एसटी एससी कैटेगरी 54 प्लस होने चाहिए। पंजाब जनरल एरिया एससी कैटेगरी 71 प्लस अंक होने चाहिए। पंजाब बॉर्डर एरिया ओबीसी कैटेगरी 56 प्लस अंक होने चाहिए। पंजाब जनरल एरिया ओबीसी कैटेगरी 71 प्लस अंक होने चाहिए। पंजाब बॉर्डर एरिया जनरल कैटेगरी 63 प्लस अंक होने चाहिए। पंजाब जनरल एरिया जनरल कैटेगरी 85 प्लस अंक होने चाहिए तब आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई होंगे, इससे ऊपर होने चाहिए, ध्यान रखना। ये लोवेस्ट है, इससे नीचे तो किसी भी हाल में मेरिट नहीं जाएगी फिजिकल की, ये तो हद है, समझ गई लड़कियां। जितनी भी लड़कियां देख रही है मैं उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आ रहा होगा जो चीजें मैं बोल रहा हूं, समझ गए। कैटेगरी वाइज डिवाइड करती है आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, बॉर्डर एरिया कैटेगरी में आते हैं, जनरल एरिया कैटेगरी में आते हैं और ओबीसी एससी एसटी किस में आते हैं, उस हिसाब से कट ऑफ बना रखी है, उसी हिसाब से मैं आपको पेश करने की कोशिश कर रहा हूं। अब इसके बाद में अगला जो राज्य है वो है राजस्थान, चलो भाई राजस्थान पे ले लेते हैं। राजस्थान अगर आप बॉर्डर एरिया से हैं लड़के सुन लेना, राजस्थान बॉर्डर एरिया ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 56 प्लस अंक होने चाहिए। राजस्थान जनरल एरिया ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 100 प्लस अंक होने चाहिए। राजस्थान बॉर्डर एरिया एससी कैटेगरी 75 प्लस अंक होने चाहिए। राजस्थान जनरल एरिया एससी कैटेगरी 95 प्लस अंक होने चाहिए। राजस्थान बॉर्डर एरिया एसटी कैटेगरी 35 प्लस अंक होने चाहिए। राजस्थान जनरल एरिया एसटी कैटेगरी 101 प्लस अंक होने चाहिए। राजस्थान बॉर्डर एरिया ओबीसी कैटेगरी 81 प्लस होने चाहिए। राजस्थान जनरल एरिया यानी जनरल जो डिस्ट्रिक्ट है चार बॉर्डर एरिया को छोड़ दे उसके बाद में ओबीसी कैटेगरी कम से कम 112 प्लस। राजस्थान बॉर्डर एरिया जनरल कैटेगरी 87 प्लस। राजस्थान जनरल कैटेगरी जनरल एरिया 115 प्लस, समझ गए राजस्थान वालों। यह इससे ऊपर ही आपकी कट ऑफ रहेगी, इससे नीचे तो आप उम्मीद ही मत करो, इससे नीचे कोई चांस
नहीं बनेगा लड़कियों, कोई चांस नहीं है बेटा, अगर इससे नीचे नंबर है तो समझ जाना। ठीक है, अगला जो राज्य है वो लेते हैं हम तमिलनाडु। ये इनको कहाँ हिंदी आती है, इनको कहाँ हम समझा पाएंगे? उत्तर प्रदेश। हाँ, उत्तर प्रदेश की लड़कियां देखती रहती वीडियो, बोलती रहती कई बार। उत्तर प्रदेश बॉर्डर एरिया ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 90+ अंक होने चाहिए बेटा आपके। उत्तर प्रदेश जनरल एरिया ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 117+ अंक होने चाहिए। उत्तर प्रदेश बॉर्डर एरिया एससी कैटेगरी 80+ अंक होने चाहिए। उत्तर प्रदेश जनरल एरिया एससी कैटेगरी 104+ अंक होने चाहिए। उत्तर प्रदेश जनरल एरिया एसटी कैटेगरी 93+ अंक होने चाहिए। उत्तर प्रदेश बॉर्डर एरिया ओबीसी कैटेगरी 96+ होने चाहिए। उत्तर प्रदेश जनरल एरिया ओबीसी कैटेगरी 117+ अंक होने चाहिए। उत्तर प्रदेश बॉर्डर एरिया जनरल कैटेगरी 103। उत्तर प्रदेश जनरल कैटेगरी जनरल एरिया 123+ अंक होने चाहिए बेटा, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश वालों फिजिकली कटो भी इससे ऊपर रहेगी, इससे नीचे नहीं रहेगी, किसी भी कंडीशन में इससे नीचे नहीं रहेगी। ये खींच के हैं आंकड़े, यानी इससे नीचे तो रात बीतते हैं, इससे नीचे कुछ नहीं, काला पानी की सजा बचती है इससे नीचे। अगर इससे नीचे नंबर है आपके तो अगली भर्तियों की तैयारी कर लीजिए बेटा, उसके बाद में इससे नीचे तो फिर वेस्ट बंगाल, बंगाल वालों को हाँ बताने की जरूरत है, पता ही है उनको, है बताने की जरूरत है कि वेस्ट बंगाल वालों को, ये वेस्ट बंगाल में तो हाई अच्छी ऐसी के आसपास है। तो बेटा ये थी लड़कियों की कटो, समझ गए बात को? जितनी भी लड़कियां हैं इनसे ऊपर आपके नंबर है तब आपका काम बनेगा, नहीं तो नहीं। बाकी अगर वेस्ट बंगाल वाले वो भी देख लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, बनाई हुई तैयार पड़ी है। ठीक है, समझ गए बात को? तो जितनी भी लड़कियां हैं उनके सारे चीजें क्लियर हो गई होगी। अब आगे हम जो देखने वाले हैं वो है लड़कों की। ठीक है लाडो, जय हिंद जय भारत।